So, vectors. First, in physics we have two type of quantities. When we describe a quantity, we have to either tell its direction or we don't have to tell its direction. दो तरह की क्वांटिटीज होंगी, एक पे हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और एक में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. जैसे इफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 5 kg के लिए हमको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती. तो 5 kg के लिए डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, देन वी विल से इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और हम शब्द यूज करते हैं स्केलर, विच गिव्स ओनली स्केल, कि कोई चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, देयर मे बी सम अदर स्केलर क्वांटिटीज. फिजिक्स में बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी. तो पहले स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, द क्वांटिटी विच quantity which does not need direction. To be specified, जिसकी direction हमको specify नहीं करनी पड़े वो क्या होती है? Scalar quantity. So example, mass, temperature, work, that is energy, these quantities are scalar quantities. Again we have time, volume, these are scalar quantities. Electricity जब हम पढ़ते हैं तब electric current, electric potential, electrical and magnetic flux, all these are examples of scalar quantities. इनकी जब हम value बताएंगे सिर्फ एक quantity बताएंगे, direction नहीं बताएंगे. So these are scalar quantities. Scalar quantities या scalars इसको कहेंगे. दूसरी तरह की quantities हैं vector quantities. ये क्या था? Does not need. इसमें क्या आ जाएगा? इट नीड्स, इट नीड्स डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड. इस वेक्टर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन बतानी पड़ती है. जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है पोजीशन. हम कहेंगे श्रीलंका इंडिया से या श्रीलंका दिल्ली से कितना दूर है, एंड द आंसर इज श्रीलंका इज 3000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. लेकिन 3000 किलोमीटर हम जाते हैं तो हम मास्को पहुंच जाते हैं. क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द डायरेक्शन. सो व्हेन वी से पोजीशन ऑफ श्रीलंका इज 3000 टुवर्ड्स साउथ, देन this description is complete. So what we need direction to be specified. तब हम क्या बता रहे हैं? Position. तो position बताने के लिए हमको direction भी बतानी पड़ेगी. Therefore position is a vector quantity. Okay. तो दूसरी vector quantity का example. Okay. और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल नोट करिए. दीज आर डिस्प्लेसमेंट, एरिया,
फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ओके सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज वेयर वी हैव टू गिव देम डायरेक्शन ऑल्सो उसके बिना इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता राइट तो ये इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है अगर हमको बोला जाए 4 केजी शुगर लेकर आइए तो 4 केजी शुगर को हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है पर अगर हमको ये बोला जाएगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर पर दुकान है 2 किलोमीटर इज द पोजीशन तो हमको साथ में क्या बताना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है वी हैव टू टेल यू द डायरेक्शन सो इफ यू वॉन्ट टू टेल पोजिशन वी हैव टू टेल डायरेक्शन देयरफॉर पोजिशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो दो तरह की क्वांटिटीज हो गई स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आर सिंपल क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज गॉट ओनली वन थिंग दैट इज साइज उस साइज के लिए हम शब्द यूज करेंगे मैग्नीट्यूड सो स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड only this magnitude as well as direction since these quantities have only magnitude we can add these quantities subtract these quantities by a simple mathematics what we call algebra so all the operations of scalar quantities will be done by the rules of algebra but any operation of vector quantity will not be done by the rules of algebra alone there are different methods of operating vector quantities and that is what we are going to learn today ki vector quantities ko operate kaise karte hain so vectors do not follow rules of mathematics of algebra they have a different set of rules known as rules for operation with vector now how to represent a vector quantity a quantity humne likhi aur hum ye janna chahte hain whether that is scalar or vector to humne vector ke liye ek alag se sign bana diya sirf sign hai उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है वो हमको एक पहचान देता है कि ये वेक्टर बस जैसे हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म एक पहचान देती है कि ये स्टूडेंट उस स्कूल का है इसी तरह से हम वेक्टर को कैसे पहचान देते हैं तो उसके लिए जो उसका लिखने का तरीका है वी चेंज इट एक क्वांटिटी है ए दिस इज स्केलर और वेक्टर वी डोंट नो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं इनिशियली कुछ राइटर्स ने इसको डार्क करना शुरू कर दिया दे मेक इट डार्क और बाकी स्केलर क्वांटिटीज को लाइट लिखते थे पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है डार्क और लाइट में तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और सेट ऑफ राइटर्स था दे स्टार्टेड राइटिंग इट कैपिटल स्मॉल ए इज स्केलर कैपिटल ए इज फॉर वेक्टर्स पर वो भी ज्यादा दिन नहीं चला उसमें भी कंफ्यूजन होता था क्योंकि ये अलग अलग नोटेशन अलग अलग चीजों के लिए होते तो अब हमने एक तीसरी चीज बनाई डायरेक्शन के लिए हम इसके ऊपर एक एरो लगाते दिस व्हेन वी पुट ए एरो ऑन दिस दिस शोज दैट दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसके ऑपरेशन हमको वेक्टर के रूप से करते सो दिस इज ए इंडिकेशन दिस इज ए सिंबल इफ any quantity has this arrow on it then this is a vector quantity ye baat samajh mein aa gayi acha uske baad iska hum ek visual representation karte hain visual representation means ek drawing banakar to ye to ho gaya algebraic dusra geometric algebraic representation and geometric representation geometric representation mein hum kya karte hain a arrow banate hain this arrow
दिस इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये एरो हमको दो चीजें बताता है जो कि वेक्टर में होती है, एक उसका साइज मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। वी विल से हमने बताया कि ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और ये है 10 न्यूटन, तो ये कितना होगा 20 न्यूटन, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। सो लेंथ ऑफ द एरो शोज मैग्नीट्यूड, लेंथ शो मैग्नीट्यूड एंड एरो एरो शोज डायरेक्शन। सो एन एरो इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट गिव्स अस बोथ द थिंग्स कंपेरेटिव मैग्नीट्यूड। उससे हमको पता लगेगा कि जिसकी लेंथ बड़ी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी लेंथ छोटी है उसका मैग्नीट्यूड कम है, और जो डायरेक्शन है वो उसकी वर्किंग की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वर्क करता है। तो दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये एरो अलग अलग डायरेक्शन में होगा और ये हमको दिखा सकता है लाइक दिस। दिस इज एन एरो, ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या शो करती है कि किस तरफ वो काम कर रहा है फोर्स। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी टेक नेक्स्ट थिंग। अगर हम सिर्फ बिना एरो के लिखेंगे देन दिस विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे लिखते। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर एंड वी मेक ए मॉडुलस साइन हियर। दिस शोज दैट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज दिस। अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन नहीं लेते तो ये तो क्या बन गई स्केलर क्वांटिटी। तो क्यों ना स्केलर क्वांटिटी को ऐसे ही लिख दिया जाए ए, और जनरली हम लोग ये शॉर्टकट करते हैं कि मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख देते हैं ए। पर टेक्निकली थोड़ा सा ध्यान रखिए, इफ आई राइट ए देन आई एम टेलिंग यू दैट ए इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर है ही नहीं। इफ आई राइट लाइक दिस देन व्हाट डज इट मीन, कि ए बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं क्या ले रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन। ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, समझ में आया। ये ए वेक्टर, अगर मैं यहां पर लिखूं बी, यू आर श्योर इट इज नॉट वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगा। पर ये स्केलर है या एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, यू डोंट नो। तो उसको अलग अलग करने के लिए ये स्केलर है, और अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो क्या पता लगेगा कि बी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। बी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और मैं उसकी किसकी बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की बिना डायरेक्शन, राइट। लेकिन ये हम लोगों को थोड़ा लेबोरियस होता है, एक एरो लगाओ फिर ये दोनों लाइन लगाओ फिर इसके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सब तरह लिखना, दैट बिकम्स वेरी टीडियस। तो इसीलिए हम लोग समझ जाते हैं वी नो दैट बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और आगे से उसके मैग्नीट्यूड के लिए बी लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली हम भी ऐसा ही करेंगे, बट टेक्निकली आई टेल यू दिस इज द डिफरेंस। ओके, आफ्टर दैट छोटे छोटे वेक्टर देखिए। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हमको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो हमको एक चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक, जहां से हम पोजीशन को नापना शुरू करेंगे, और दूसरा हमको एक डायरेक्शन का रेफरेंस चाहिए। जैसे
मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर कोरबा है, टाउन है, सो यहां पर मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो मेरे फ्रेंड की पोजीशन मैं क्या बोलूंगा, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन। अगर मुझे ये इसकी पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ माय फ्रेंड हो गया, ये जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां से मैं नापना शुरू करता हूं उसको मैं बोलूंगा ओरिजिन, ठीक है। दूसरा, किसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन कौन सी है के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है किधर। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह को हम नहीं मान सकते, तो हम लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया एक्स वाई सेट का। वी विल से दिस इज एक्स, दिस इज वाई और तीसरी डायरेक्शन जेड। तो यहां पर ओरिजिन है, यहां एक पॉइंट पी है, देन दिस शेप, दिस एरो, दिस शोज ए वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम बताइए, पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट पे खत्म करते हैं। ये जो वेक्टर बनता है, इस वेक्टर में इसको बोलते हैं इस वेक्टर की टेल, स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज हेड, ठीक है, दिस इज ओरिजिन और टेल एंड दिस इज हेड। तो ये टेल ओरिजिन पे आएगी और हेड उस पॉइंट पे आएगा और इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, और इसको हम दिखाया करेंगे आर। नॉर्मली हम लोग इसके लिए आर यूज करते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट ओ है, तो ओ पी गिव्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओ पी गिव्स डायरेक्शन एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर। ये हो गया। उसके बाद और एक वेक्टर जो हमको बहुत यूज करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए, यहां पर ओरिजिन है हमारे, हम जहां खड़े हैं, एक आदमी बालकों में है, उसका पोजिशन वेक्टर बनाइए। यहां पर बाल को हमने ऐसा बना दिया, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट मैन हु इज एट बालको। थोड़ी देर बाद उस आदमी का फोन आया, ही इज एट कोरबा, डायरेक्शन बदल गई, तो अब वो आदमी यहां पर आ गया, ही हैज कम हियर एट क्यू। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, ओ से लेके क्यू तक। Now this is R1, position vector in condition 1, and this is R2, position vector when he is at position 2. ये समझ आया? अब उसके बाद अगर हम एक लाइन खींचे जो P से Q तक आएगी, ये वाली, from position 1 to position 2, ये वाली लाइन को बोलेंगे displacement vector। इसके नाम से ही क्लियर है दैट दैट पर्सन इज डिस्प्लेस फ्रॉम पी टू क्यू। तो ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विच इज द लाइन ज्वाइनिंग डिफरेंट पोजीशंस। Displacement vector. PQ is displacement vector. Okay. इसके लिए अभी हम लोग जब subtraction करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल आप याद रख सकते हैं, this is difference between two position, the difference between two position vectors is displacement vector।
अब आगे व्हाट इज मीन्ड बाय, ये हो गया सबका। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय इक्वल वेक्टर्स, व्हेन डू वी से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। द आंसर इज वन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, their length should be same and their direction should be same, then they are known as equal arrows. Same magnitude, and magnitude is represented by length. Same direction. When the magnitude is same and the direction is same, the two arrows are known as equal vectors. ओके और अगर एक भी चीज बदल गई देन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दिस वेक्टर 10 सेंटीमीटर एंड दिस वेक्टर आल्सो 10 सेंटीमीटर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। व्हाई दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स? Because their direction is different. दोनों चीजें हमको equal चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे equal vectors. Okay? So these are equal vectors. Next, what is meant by negative vector? Negative vector किसको कहेंगे? One vector is represented by one arrow. The other vector is represented by this arrow. This is negative vector of A. Okay? Kya speciality hai? The length is same, but the direction is opposite. Length yani magnitude. Magnitude bilkul ek saman hona chahiye aur डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल भी बोलेंगे इसमें। इसका एग्जांपल समझिए, एक रोप है, रस्सी, इधर से कुछ बच्चों ने इसको खींचना है अपनी तरफ और फोर्स लगा रहे हैं इनको इधर खींचने के लिए, और यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं ये फोर्स लगा रहे हैं इधर। ओके सो और ये हिल नहीं रही है, अपनी जगह पे खड़ी है। इसका खड़ी है इसका क्या मतलब, ये इसको खींच रहे हैं इस तरफ 1000 न्यूटन फोर्स लगाकर। यहां से ये हिलती क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी इसको खींच रहे हैं। कितना फोर्स लगा के? 1000 न्यूटन फोर्स लगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड 1000, इसका मैग्नीट्यूड 1000, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? नेगेटिव टू ईच अदर। अगर मैं इस वेक्टर को लिखूंगा फोर्स, force applied on two due to one, then this is force applied on one due to two, then they are not equal. दोनों equal है कि नहीं है? बोलिए। force on two due to one, ये बच्चे इस पर जो force लगा रहे हैं और ये वाले इस पर जो force लगा रहे हैं, ये दोनों force और ये रस्सी नहीं हिल रही है, मूव नहीं हो रही है, तो दोनों फोर्स इक्वल है या नहीं है? इक्वल है, इक्वल नहीं है। वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है 1000 एंड 1000, पर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई, सो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो इस कैटेगरी में आएंगे कि इसमें आएंगे? नेगेटिव वेक्टर। सो दे आर नेगेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल। हाँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं और इसको कर दूं नेगेटिव,
एफ वन टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टू वन, एफ टू वन किसके बराबर है, एफ वन टू को निगेटिव करो, अगर इसके एरो को ऐसा कर दूंगा तो दोनों के एरो एक तरफ हो जाएंगे, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। फिर से सुनिए, ये एक पत्थर को स्ट्रिंग में बांध के हम ऐसे घुमा रहे हैं, यहां पर उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, हर जगह। नाउ इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है, तो जब मैं ये बोलूंगा सेम है कि चेंज हो रही है, तो आप दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये कैसा है, सेम, बट व्हाट इज अबाउट डायरेक्शन, चेंजिंग, सो वेक्टर इज चेंजिंग, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से सर्कल में घूमता है, यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, देन स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई डू वी से इट इज चेंजिंग, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो दोनों में से एक भी चीज बदल गई तो वेक्टर बदल गया, इज दिस पॉइंट क्लियर। सो वेक्टर का चेंज होना, इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स, ओके, ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ। नाउ एक छोटा सा ऑपरेशन, कि अगर एक वेक्टर को हम एक सिंपल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, एक रियल नंबर से, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन फोर्स लगाया, और मैंने ये एरो बना दिया, दिस एरो, दिस शोज 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करते हैं लोग 5 न्यूटन, ओके। अब मैंने कहा कि 15 न्यूटन फोर्स मुझे लगाना है, एफ कितना फोर्स लगाना है, 3F, एफ इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर, तो इसे मैं कैसे दिखाऊंगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, ये लेंथ कितने को दिखाती है, 5 को, एरो किसको दिखाता है, डायरेक्शन को, मैंने क्या चीज चेंज की है, मैग्नीट्यूड, 5 की जगह कितना कर दिया 15, डायरेक्शन तो वही है, सो एफ को मैंने कितना कर दिया 3F, तो इसकी जो लेंथ है इसे मैं ऐसे बना दूंगा 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, तो एरो वही लगाया। तो इस वेक्टर का नाम अगर वेक्टर एफ है, तो इस वेक्टर का नाम कितना हो गया, 3F, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एरो में दिखाने के लिए इसको चेंज करेंगे लेंथ पर, राइट। सो इफ दिस इज एक्सीलरेशन 2A, देन हाउ मच विल बी 6A, तो ये जितना है इससे कितना कर देंगे, 3 times, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट 6A, 3 times, 3 into 2, ठीक है। दिस इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय ए रियल नंबर। देन अब असली टॉपिक आते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Addition of vectors. There are two vectors. एक वेक्टर का नाम है वेक्टर A और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर B. This vector may be anything. This may be velocity. It may be displacement. It may be force. Anything. जो रूल वेक्टर का रूल है वो हर वेक्टर क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए जब हम वेक्टर को पढ़ते हैं तो उसको फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर।
तो उसके रूल एक्चुअली वेक्टर कोई चीज नहीं होती है, क्वांटिटीज होती है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, लेकिन ये सब का ग्रुप के नाम क्या है, वेक्टर, और जो वेक्टर के रूल है सब में अप्लाई कर ले। ओके, सो देयर इज वन क्वांटिटी वेक्टर ए, देयर इज अनदर क्वांटिटी वेक्टर बी, इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए याद रखिए एक फंडामेंटल कंडीशन होती है, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते, नहीं तो कर ही नहीं सकते। ये रूल आप सबको मालूम है, बताइए 5 रुपीज प्लस 3 मीटर कितना हुआ? You can't do that because their nature is different. एक मनी है और दूसरा लेंथ है, तो वेक्टर को जब एडिशन हम करने जाएंगे, this is the fundamental rule that their nature should be same. और ये बड़ा important question है, भले 1 mark में आता हो, what is the fundamental or basic condition for vector addition? Answer, their nature should be same. अदरवाइज वेलोसिटी के साथ आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है, नेचर शुड बी सेम। दिस इज फंडामेंटल कंडीशन। इसलिए जब भी हम वेक्टर के नक्शे बनाएंगे, वेक्टर की ड्राइंग्स बनाएंगे, तो उस ड्राइंग में, एक ड्राइंग में जितने वेक्टर रहेंगे, सब के सब वेलोसिटी रहेगी, या सब के सब डिस्प्लेसमेंट रहेंगे, या सब के सब फोर्स रहेंगे। एक ही डायग्राम में एक लाइन वेलोसिटी की और दूसरी लाइन फोर्स की नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई? ये एक बड़ा बेसिक और फंडामेंटल रूल। ओके, तो नेचर ऑफ द वेक्टर शुड बी सेम, दिस इज फंडामेंटल कंडीशन। ओके, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों एक ही नेचर के वेक्टर हैं, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने का तरीका देखिए, ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिकली, अलजेब्रा का भी एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिलहाल ज्योमेट्री से देखते हैं। ज्योमेट्री में हम पहले एक वेक्टर बनाएंगे, एनी वन, तो हमने पहले वेक्टर ए बनाया। वेक्टर के लिए आपको एक छूट है, वेक्टर के लिए यह छूट है कि आप किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं, अलाउड। सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते, उसकी लंबाई को कम ज्यादा नहीं कर सकते और उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं वेक्टर ए को यहां से उठा के यहां ले आता हूं, आई मेक ए ड्रॉइंग हियर, इतना ही लेंथ रखूंगा, ए डायरेक्शन। सो दिस इज वेक्टर ए, ये है इसकी टेल और ये है इसका हेड। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक आदमी यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया डिस्प्लेसमेंट, इसमें मुझे वेक्टर बी को ऐड करना है। वो आदमी फिर यहां से चलना शुरू करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में वो जाता है। सपोज इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 3, तो वो 3 इस डायरेक्शन में गया, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, नीचे वाले पॉइंट से कि ऊपर से? ऊपर तक तो पहुंच चुका है वो, अब वहीं से स्टार्ट करेगा। तो यहां पर से मुझे वेक्टर बी बनाना है ये, लेकिन वेक्टर बी इस तरह से बनाना है कि इसकी टेल यहां रहनी चाहिए, टेल यहां रहनी चाहिए, और इस पूरे वेक्टर को उठा के हम यहां ले आए। ना तो हम इसकी लंबाई कम ज्यादा कर सकते हैं और ना इसकी डायरेक्शन बदल सकते, तो ये हमने बना दिया वेक्टर बी। सो वो आदमी यहां से चला यहां तक पहुंचा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर यहां से चला यहां तक पहुंचा, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो आदमी है कहां, यहां पर। शुरू कहां से किया था चलना, यहां से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड दी फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड दी फाइनल पोजीशन। ये वाला जो एरो बनेगा, ये मैं बोलूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का एडिशन हो गया। क्या हो गया दोनों का एडिशन, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, चाहे तो हम इसका नाम दे सकते हैं, इस वेक्टर का नाम आर, तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तरीका है। फिर से तरीके को देखिए,
एक वेक्टर को बनाइए, किसी भी एक वेक्टर को। ये मैंने पहले बनाया b को, उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल आनी चाहिए। दूसरे वेक्टर को लेकर आइए, उठा के यहां पर रखिए। किस तरह से रखना है, उसकी टेल इसकी हेड पर आनी चाहिए। तो ये रहा ए, ए और ये बी और ये ए। पहले हमने बी को बनाया था, ये उसकी टेल थी। सबसे लास्ट में ए को बनाया, ये उसका हेड है। यहां टेल और ये फाइनल हेड, इसको ऐसा मिला देंगे। ये क्या बन गया, बी प्लस ए। तो देखिए इसकी लंबाई बराबर है, इसकी डायरेक्शन सेम। दैट मींस बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट शोज या पहले ए बनाइए या पहले बी बनाइए, कोई अंतर नहीं आएगा एडिशन। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है? ओके, अगर आप सबको समझ आ रहा है तो एक काम करिए, सब लोग अपनी कॉपी में एक लाइन ऐसे टेढ़ी खींचिए, ये इस तरफ, ऐसा दाहिनी तरफ ऊपर जाती। ठीक है, फिर एक लाइन यहां पर ऐसे आती, इससे थोड़ी सी छोटी, इसका नाम दीजिए ए और इसका नाम दीजिए बी। ए और बी, और अब इन दोनों का एडिशन करिए। ये वाला जो एडिशन का मेथड है, इसमें फाइनल शेप कौन सी बनती है, ट्रायंगल। सो वी कॉल इट ट्रायंगल मेथड। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल मेथड। तो ट्रायंगल मेथड से अभी जो आपने ए और बी बनाया है उसको ऐड करके दिखाइए। ट्रायंगल दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन एक वेक्टर है और ग्रीन दूसरा वेक्टर। चेंज हो गया, ये देखिए ब्लू एंड रेड ग्रीन, सॉरी ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन, ये दो वेक्टर है। दोनों का एडिशन किससे दिखा रहे हैं, ब्लैक से। तो ब्लू और ग्रीन के साइज में चेंज नहीं हो रहा है, किसके साइज में चेंज हो रहा है, ब्लैक के। और ब्लैक क्या है, दोनों का एडिशन, मतलब एक वेक्टर 4 है और एक वेक्टर 3 है। तो दोनों का एडिशन कभी 7 हो जाता है और कभी 1 हो जाता है। तो ये अलजेब्रा के नियम इसको नहीं मानते, अरिथमेटिक के नियम भी इसको नहीं मानते, तो वेक्टर के अपने नियम होते हैं। तो ये एडिशन किस पर डिपेंड करता है, आंसर है ये एडिशन उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ये बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे बीच का एंगल चेंज होता है, 4 प्लस 3 की वैल्यू चेंज होती है। जब एंगल 180 है तो ये वाली वैल्यू 1 है, और जब ये एंगल 0 डिग्री है तो ये वैल्यू 7 है, दिखता है, और जब 90 है तो ये वैल्यू 5 है। इस तरह से एडिशन की वैल्यू चेंज होती है। सो द वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर